तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ब्यूटी ऑफ तवांग। आज का जो सुबह है मेरा तवांग में है। कल रात मैं तवांग पहुंच गया था, आप लोगों को तो मालूम ही है शायद। तो अभी हम लोग अपना जो आज का जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। आज का जर्नी में पहले तो हम लोग अभी डीसी ऑफिस जाएंगे। डीसी ऑफिस जाके वहाँ से जो बुमला पास से उसका मतलब वहाँ पे जाने के लिए परमिशन चाहिए डीसी ऑफिस से। फिर जाके वो मिलिट्री कैंप से मतलब थोड़ा प्रोसीड्यूर है, वो प्रोसीड्यूर करने के बाद अगर हम लोग को आज में परमिशन मिल गया तो आज बुमला पास जाएंगे, नहीं तो आज माधुरी लेक और मोनेस्ट्री जो बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है वहाँ पर भी जाएंगे। तो और भी बहुत सारा व्यू पॉइंट है, सब कुछ दिखाएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और रूम अभी मैं यहाँ का रूम का व्यू मतलब दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सुबह से यहाँ पे कारण नहीं है, रूम पूरा अंधेरा है। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं लेट नहीं करके, ऑलरेडी लेट हो गया, 9 बज गया। तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के हम लोग व्यू पॉइंट में डीसी ऑफिस में जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो का स्किप करके कहीं मत जाइएगा, वीडियो का साथ में रहिए। हाय गाइस, तो आज में कुछ प्रॉब्लम हो गया। जैसे हम लोग होटल से निकलने का बाद जैसे बुमला पास माधुरी लेक मतलब एक्सप्लोर करने जाएंगे सोचा रहा, लेकिन क्या होगा ना, निकलने के बाद हम लोग का गाड़ी का जो टायर वो पंचर हो गया। फिर वो रिपेयर करने के कम से कम 10-11 बज गए वहाँ पे। फिर जाके डीसी ऑफिस गया रहा, क्योंकि पास इशू करने के लिए डीसी ऑफिस भी बंद है अभी। यहाँ पे और एक जगह है ब्रिगेड ऑफिस, वहाँ पे भी मतलब परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो वो भी शायद कुछ मतलब प्रॉब्लम की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए अभी मैं इस वक्त जो तवांग वायर्ड मेमोरियल में हूँ, तो इसका वीडियो मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये है तवांग का वॉर मेमोरियल। काफ़ी सुंदर है, मतलब आज ऐसे मतलब एक्चुअली मैंने मेरा जो मन था मेन एम था तवांग आने का, बुमला के लिए आया था, बुमला और माधुरी लेक। माधुरी लेक तो जा पाएंगे क्योंकि उसके लिए परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन बुमला के लिए बेसिकली परमिशन चाहिए। और वो परमिशन आज निकलने का चांस कम लग रहा है, क्योंकि आज हो गया सैटरडे, कल हो गया संडे। तो संडे सैटरडे डीसी ऑफिस बंद होता है, तो डीसी ऑफिस का परमिशन लाके यहाँ पे एक आर्मी का ऑफिस है वहाँ पे देना पड़ता है, फिर जाके उसका जो परमिशन इशू होता है। बट डीसी ऑफिस से बने तो इसीलिए परमिशन निकलने का चांस बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। फिर भी कोशिश कर रहा है एक आर्मी ऑफिसर से बात करके, देखते हैं कुछ होता है क्या नहीं। अगर होता है तो बुमला पास जाएंगे, नहीं तो माधुरी लेक जाएंगे। और भी बहुत सारा कुछ है वो दिखा देंगे, आप लोग से शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल वायर मेमोरियल। ये कुछ राइफल वगैरह हो गया, व्यू काफी अच्छा है। लेकिन तो यहाँ तो हो गया, यहाँ का व्यू में शेयर के आगे में एक व्यू है, लेकिन वो शेयर करना अलाउड नहीं है, क्योंकि मतलब तो वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन मैं हम लोग खुद देखा है वो, मतलब आर्मी का कुछ है इसलिए वीडियो अलाउ नहीं है। तो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे
अगर बुमला पास के लिए परमिशन निकल गया तो बुमला पास जाएंगे, नहीं तो माधुरी लेक जाएंगे, उसके बाद मोनेस्ट्री जाएंगे, ओल्ड गुम्फा जाएंगे। तो वीडियो छोड़ के मत जाइए, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। तो गाइस अभी हम लोग जो तवांग का मोनेस्ट्री है वहाँ पे पहुँच गए। बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है, मैं पहले भी मतलब इस मोनेस्ट्री का वीडियो देखा था, आज खुद आ चुका हूँ। तो गाइस बहुत सारा सीढ़ी चढ़ना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सांस फूल रहा है। तो यहाँ से जो तवांग का व्यू आता है, बहुत सुंदर व्यू आता है, वो व्यू अभी मैं आप लोगों का शेयर करने वाला हूँ, उसके बाद मोनेस्ट्री। यही है पूरा तवांग। आज में थोड़ा क्लाउडी वेदर है इसलिए इतना क्लियर शायद नहीं आ रहा है, लेकिन व्यू बहुत ज़बरदस्त व्यू है। आगे से देखता हूँ और भी अगर मतलब ऐसा कोई पॉइंट होता है जहाँ से व्यू ठीक ठाक आएगा वहाँ भी जाके दिखाता हूँ व्यू, आप लोग का शेयर कर रहा हूँ। ये है मोनेस्ट्री का रूट, काफ़ी बड़ा मोनेस्ट्री है, ऐसे सुनने को आया श्योर नहीं है, एशिया का लार्जेस्ट मोनेस्ट्री बोला जाता है, लेकिन मैं उतना श्योर नहीं हूँ। बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है सचमुच। मोनेस्ट्री का एंट्रेंस कहाँ पे है, शायद यही होगा एंट्रेंस। यह है मोनेस्ट्री का फुल एरिया। अभी मोनेस्ट्री में अंदर जा रहा हूँ। पहले अपना जूता खोल लेता है, इसके बाद मोनेस्ट्री में जाके प्रे करना है लॉर्ड बुद्ध से। बाप, बहुत बड़ा मोनेस्ट्री है। अंधेरा है इसीलिए ठीक से वीडियो नहीं हो पा रहा है। लाइट अभी ऑन नहीं है, यहाँ पे प्रेयर हॉल भी है, यहाँ पे प्रेयर भी होता है। थोड़ा अंधेरा है व्यू फ्रेंड्स, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो व्यू है हाँ, काफी सुंदर व्यू है। सॉरी ये व्यू नहीं है, ये मंदिर है। अभी शायद ऊपर में उठने का भी कोई रास्ता होगा, देखते हैं ऊपर में उठ सकते हैं क्या नहीं, कोशिश करता हूँ। ये जो छोटा छोटा बच्चा लोग, काफ़ी प्यारा बच्चा है ऐसा, अच्छा लगता है देखने को, बहुत स्वीट है। ये मोनेस्ट्री का है सब। ये सब शायद पढ़ाई करके आ रहा है। Thank you.
तो गाइस अभी हम लोग और एक मॉनेस्ट्री में आ चुका है, जिस मॉनेस्ट्री का नाम है खिनमी मॉनेस्ट्री। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो देन आई एम सॉरी, शायद खिनमी होगा, खिनमी मॉनेस्ट्री, जो बहुत ओल्ड मॉनेस्ट्री माना जाता है यहाँ का। तो इस मॉनेस्ट्री का मैं अभी फुल व्यू आप लोग का साथ शेयर करूँगा, लॉर्ड बुद्ध को भी मैं दिखाऊँगा। यही है वो मॉनेस्ट्री। और ये है यहाँ का व्यू, व्यू भी काफ़ी अच्छा, ऊपर जाके व्यू दिखाऊंगा और भी तो अच्छा लगेगा। यही है मॉनेस्ट्री, ये घुमाना पड़ता है शायद, सब लोगों को मालूम ही होगा। ओह ऐसे करके घुमाना पड़ता है। जो यहाँ का व्यू है बहुत सुंदर है, रियली बहुत सुंदर व्यू है। ये है मॉनेस्ट्री, मेन मॉनेस्ट्री। वहाँ पे मतलब जो अभी मैं दिखाया था वो जो घुमाने पड़ते हैं ना, वो अलग से एक मतलब टेंपल पे वो घुमाने के लिए बनाया गया। और जो बुद्ध भगवान का जो मूर्ति है शायद यहाँ पे होगा। रियली बहुत सुंदर है। तो गाइस ये है मॉनेस्ट्री का फुल व्यू। मैं अभी अंदर जाऊंगा, अंदर जाके बुद्ध भगवान से प्रेयर भी करूंगा। शायद अंदर में प्रेयर हो रहा है, इसलिए अगर प्रेयर चल रहा होगा तो मैं कोई बात कर नहीं पाऊंगा। ये भी काफ़ी बड़ा मॉनेस्ट्री है, लेकिन पहले जिस मॉनेस्ट्री पे गया रहा उससे थोड़ा छोटा है, वो मॉनेस्ट्री बहुत बड़ा रहा। ये प्रेयर करने के लिए यहाँ पे बैठ के शायद प्रेयर होता है। अभी भी प्रेयर चल रहा है दूसरे एक रूम में। गाइस अभी इस मॉनेस्ट्री से जो तावांग का व्यू आता है बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। इस व्यू को मैं अभी आप लोग का साथ शेयर करूंगा। गाइस अभी हम लोग रूम पे आ चुका है, मतलब जहाँ पे हम लोग
स्टे किया रात में तवांग में। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए टाफ था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बुमला पास का जो पास होता है ना, वो निकलने के लिए आप लोग शायद बिलीव नहीं कर पाओगे, सुबह 11 बजे से दौड़ दौड़ के 5 बजे जगह हम लोग को पास मिला। मतलब उसका एक रीज़न है, क्योंकि आज सैटरडे, कल संडे है, तो मतलब ऑफिस सब बंद था, डीसी ऑफिस बंद था, तो पहले आर्मी ब्रिगेड ऑफिस वहाँ पे गया, वहाँ पे जाके फिर 3-4 बार आर्मी ऑफिस गया, 3-4 बार डीसी ऑफिस गया, उसका बाद जाके रात में जाके मतलब शाम को जाके बना। इसलिए आज तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि खाना पीना तो सब बंद पड़ा हुआ है। आज दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ बेड खाया है सुबह में, तो रात में कुछ खाएगा। कल में भी ऐसे ही खाना हुआ था, मतलब घर से निकलने के बाद से खाना पीना मेरा भी, टिंकू का भी, मतलब नाका बराबरी है ना ही है। एक दिन शायद 1 या 2 थाली भात खाया रहा अभी तक 3-4 दिन में, तो ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो है आई थिंक इंफॉर्मेटिव था, और कल में हम लोग का सुबह 6-7 बजे बुमला पास के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद माधुरी लेक जाएंगे, उसका बाद और कुछ 1-2-3 लेक भी वहाँ पे भी जाएंगे। मतलब कल का वीडियो भी अच्छा होने वाला है, तो कल का वीडियो भी आप लोग पूरा देखिएगा। तो आज इतना ही, अगर मेरा इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगा देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आज इतना ही, बाय, गुड नाइट, जय हिंद।